सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें, लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हिंसा में दुनिया में टेररिज्म का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ने किया है। मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म इसने किया है। वैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने, चाहे वो घटना झारखंड में होती हो, चाहे वो घटना पश्चिम बंगाल में होती हो, चाहे वो घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए, तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे, तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है। सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोचें हैं, अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगी।